थिंक टेक्निकली रहा, आज की इस वीडियो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर करने से पहले हम जनरेशन्स ऑफ ह्यूमन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई। मंकीज थे, गोरिल्लाज आए, चिंपैंसीज थे, देन उससे हम बने, एक इंसान बना जिसको पूरी समझ थी। और आज देखिए जो इंसान है कितना इंटेलिजेंट है, डिफरेंट डिवाइसेस क्रिएट कर रहा है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी में देखिए कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में हम कैसे थे, देन उसके बाद अपडेशन हुई, चेंजेस हुए, चेंजेस हुए, और ये देखिए यहाँ जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो यहाँ पर कैसा शो किया गया है। उसके बाद तो सबसे अच्छी मुझे एग्जाम्पल लगी ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, पहले कैसे थे, डिवेलपमेंट हुई, फिर हमने टूल्स का यूज़ करना सीखा, टूल्स को इम्प्रूव किया। आप ये टूल देख सकते हैं जो यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ये टूल्स देखिए, यहाँ पर इसने टूल देखी, यहाँ पर टूल इम्प्रूव किया, यहाँ पर देखिए ये साथ में अटैच कर लिया और भी लिए, और यहाँ पर ड्रिल आ गई, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया कंप्यूटर जो इन सभी का काम कर सकता है ऑल ओवर। हर एक जो हमें टूल की ज़रूरत पड़ती है जस्ट नेट की कनेक्टिविटी के साथ हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये तो थे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमंस कि हम कैसे बने, बैक में कैसे थे, कैसे कैसे होकर, और हम कैसे एक प्रॉपर इंसान बने, एक ह्यूमन बीइंग बने। नाउ अब हम डिस्क करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें ये जनरेशन टेबल है, पहले हम समझ लेते हैं इसमें है क्या। टॉप पर ये जनरेशन्स दी गई हैं, कौन सी जनरेशन है। टोटल हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, देन उसके बाद यहाँ पर जनरेशन 5, और जो हम अभी रह रहे हैं वो हमारी जनरेशन 5 है। और यहाँ पर ड्यूरेशन है, मीन टू से कि उस जनरेशन में क्या आया। सबसे पहले इंटरनल कंपोनेंट की बात करें, उसके बाद साइज ऑफ द कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और लास्ट में फेमस कंप्यूटर जो पर्टिकुलर डिवेल जो जनरेशन में डेवलप हुए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरेशन 1। मैं इन चीज़ों को यहाँ वर्टिकली डिफाइन कर रहा हूँ, सो कन्फ्यूज मत होइएगा। जो सबसे पहली जनरेशन थी उसका जो टाइम पीरियड है, डेट वन इज 1940 to 1956। इसमें इंटरनल कंपोनेंट जो आए वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था और उसका टाइम पीरियड। इसका जो साइज था बहुत ही लार्ज था, और इसमें इतनी ज़्यादा वायरिंग यूज़ की गई थी, और अगर उन वायरिंग को एक प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में बिछाया जाए, नियर अबाउट 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती थी। स्टोरेज डिवाइस जो आए इसमें वो थे मैग्नेटिक टेप्स, और इसमें बनाई गई मशीन लैंग्वेज, जो एक ऐसी लैंग्वेज जो मशीन समझती हैं। और इसमें जो डिवाइस डेवलपर हुए, कंप्यूटर्स डेवलप हुए, वो थे ENIAC और UNIAC, बहुत फेमस कंप्यूटर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के। और IBM 705, IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ENIAC और UNIAC की फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इनको भी थोड़ा देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड जनरेशन है उसका जो टाइम पीरियड है, डेट वन इज 1956 to 1964। इस जनरेशन में आए ट्रांजिस्टर्स, मीन टू से वैक्यूम अगर ट्यूब्स हम यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन में 18,000, तो इस जनरेशन में हम जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं जस्ट नियर अबाउट 10,000। तो सोचिए कहाँ मैं 18,000 यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ 10,000। तो ऑटोमेटिकली देखिए साइज उसका डिक्रीज हो गई, और यहाँ पर देखिए उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन जो साइज था हमारा इस जनरेशन का, सेकेंड का, वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। इसमें भी मैग्नेटिक टेप्स हम यूज़ करते थे स्टोरेज के लिए। इसमें एक असेंबली लैंग्वेज बनी, ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से कंप्यूटर चीज़ों को समझता था, जो डिफरेंट छोटे छोटे डिवाइसेस थे वो इसमें लैंग्वेज की हेल्प से स्टोर होने लगे। और इसमें जो कंप्यूटर डिवेल्प हुए वो थे IBM 400, IBM 1600। IBM 400 काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम्स भी देते हैं उसमें भी पूछा जाता है। और UNIVAC 3 इसमें डिवेल्प हुए। नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, वो है हमारी थर्ड जनरेशन, डेट वन इज टाइम पीरियड है उसका 1964 to 1971। इसमें ICs बने, IC मीन टू से इंटीग्रेटेड सर्किट, एक चिप के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट अटैच हुए, और उसका साइज बहुत ही छोटा था। यहाँ पर दिया भी हुआ देखिए, मच स्मॉलर देन प्रीवियस जनरेशन, मतलब इसमें जो साइज है और भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। इसमें भी मैग्नेटिक टेप्स हम यूज़ करते थे स्टोरेज के लिए, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस और बेसिक लेवल देन पास्कल लैंग्वेज डेवलप हुई, जो हम बिजनेस वगैरह में यूज़ करने लगे इन थर्ड जनरेशन। और इसमें जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए वो थे फेमस कंप्यूटर्स IBM 360, IBM 370 और UNIVAC 9000। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कंप्यूटर्स हैं IBM के, तो ये हमारे थर्ड जनरेशन में डेवलप हुए थे। नेक्स्ट जनरेशन आ गई फोर्थ जनरेशन,
इसमें जो इसका टाइम पीरियड है डेट वन इज 1971 टू 1981। इसमें आए माइक्रो प्रोसेसर, जैसे आपने सुना होगा प्रोसेसर इंटेल के बहुत अच्छे होते हैं, वो इसमें डेवलप हुए थे। इसमें माइक्रो कंप्यूटर्स मीन टू से कि जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज करते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोल देते हैं, इस लैंग्वेज में आ गए थे। और उसमें हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आ गई थी। हार्ड डिस्क आप सभी जानते हैं, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जो हमारा स्टोरेज का काम करता है वो थी हार्ड डिस्क। और नियर अबाउट उसमें फ्लॉपी भी आ गई थी। फ्लॉपी का साइज बहुत ही कम था, 1.44 MB। आजकल आपको पता है नेट से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं कम से कम नियर अबाउट 2-3 MB से साइज तो होता ही है स्टार्टिंग से, बाकी डिपेंड करता है आपकी फाइल का साइज क्या है और आपकी फाइल की टाइप क्या है। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस सी और सी प्लस प्लस डिवेल्प हो गई थी। ये वो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिनसे हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। और इसमें देखिए IBM 3033, IBM सिस्टम 36 और क्रे 1 इसमें डेवलप हुए थे। ये काफ़ी ज़्यादा जो यूज़फुल कंप्यूटर थे फोर्थ जनरेशन में, ये वर्क करते थे और ये कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी एज कम्पेयर टू दीज थ्री जनरेशन हमने पहले डिस्कस की। नाउ जो लेटेस्ट और जिस जनरेशन में हम काम कर रहे हैं, डेट वन इज 1981 टू प्रेजेंट, इस जनरेशन का काम क्या है, क्या था कि एक ऐसी मशीन बनाना कि जैसे एक इंसान वर्क करता है। जैसे मैं कॉमन सी एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने रोबोट मूवी देखी होगी और रोबोट 2.0 भी देखे, आपने देखा कि एक रोबोट क्या कुछ कर सकता है। सेम ऐसे ही एक मशीन बनाने का काम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है, मशीन्स बन भी गई हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इसमें कंप्यूटर्स देखिए, टाइनी कंप्यूटर्स आ गए, पाम टॉप आ गए। पाम टॉप एक छोटा कंप्यूटर है जो आप एक हाथ में जैसे स्मार्टफोन होता था वैसे कंट्रोल कर सकते थे, एक विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है, एक स्टिक होती है, आपने देखा होगा फोन्स वगैरह के साथ आती हैं, स्पेशली सैमसंग के फोन के साथ, उसको स्टाइलस बोलते हैं। इसमें देखिए हार्ड डिस्क थी, फ्लॉपी भी थी, और इसमें एक नया डिवाइस आ गया, डेट वन इज ऑप्टिकल स्टोरेज, जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते थे। और इस जनरेशन की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई। इसमें नेचुरल लैंग्वेज डेवलप हो गई, सीक्वल लैंग्वेज और प्रोलॉग लैंग्वेज होगी। ये डाटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें काफ़ी हाई लेवल तक आप रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का, कंपनी का, या वर्क डिपेंड करता है आप कौन सा काम करते हैं। और इसमें पेंटियम सीरीज आ गई, पेंटियम जैसे पेंटियम 4, पेंटियम 3, ये मदरबोर्ड के और प्रोसेसर के ये हमारे होते हैं, ठीक है जी, सीरीज, उस पर ये डिपेंड करता है। और देखिए इसमें लैपटॉप मैंने आपको बताया डिवेल्प हो गए, लैपटॉप आजकल आप यूज़ भी कर रहे हैं सभी को पता है। और पाम टॉप, पाम टॉप मैंने आपको बताया हैंड इनेबल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, जो आप जैसे स्मार्टफोन होते हैं वैसे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कैसे थी ह्यूमन जनरेशन और कैसे कैसे हमने ह्यूमन जनरेशन में डेवलप किया, ऐसे ही कंप्यूटर की जनरेशन सी ये हमारा जनरेशन टेबल है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें ज़्यादातर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, इसकी जनरेशन का टाइम पीरियड और उस जनरेशन में क्या डेवलप हुआ और कौन कौन सा कंप्यूटर था, ये मेन चीज़ है। बाकी तो चलिए आपको पता ही है साइज़ वगैरह उसका डिक्रीज होगा, नई जनरेशन में जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। और उसका ड्यूरेशन, ये जो मैंने ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको करके देखिए, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्यूरी या क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और साथ के साथ हो सके तो हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, सो डैट दे ऑल्सो नो कि कंप्यूटर जनरेशन कैसी होती, उसमें क्या क्या आया था और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आई थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम।